हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ निशा सिंह। टुडे वी डिस्कस अबाउट द पोएम लिटिल थिंग्स ऑफ क्लास थर्ड। लिटिल थिंग्स मतलब छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। इस पोएम में हमें बताया गया है, जो पोएट है उसने बताया है कि कैसे छोटी छोटी सी चीज़ें हमें कितनी खुशी और कितना प्यार देती हैं, वो सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। The poet remind us about the joy of paying attention to the little things in life that we often ignore, the things that make our life special. तो जो poet है वो हमें याद दिलाना चाहता है कि वो खुशी जब मतलब वो खुशी जो हमें छोटी छोटी चीज़ों से मिलनी चाहिए लाइफ में, लेकिन हम कभी ना कभी इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, वो चीज़ें हमारी लाइफ को बहुत स्पेशल बना सकती हैं, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ को स्पेशल बना सकती है, हम उन्हें कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड लव, ठीक है। छोटी छोटी सी चीज़ें हमें लव देती है, काइंडनेस देती है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइथी ओशियन एंड द ब्यूटियस लैंड। थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदे, थोड़ी थोड़ी सैंड यानी कि जो रेत होती है उसके जो कण होते हैं, वो मेक द माइथी ओशियन, वो क्या बना देते हैं, एक बड़ा सा ओशियन बना देते हैं, है ना। पानी होता है और आप अगर समुद्र के नीचे देखो तो रेत ही रेत होती है, तो ऐसे ही उन्होंने बोला है कि थोड़े थोड़े पानी के बूंदे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी की जो कण रहते हैं, वो एक बड़ा ओशियन बना देते हैं। एंड द ब्यूटियस लैंड, और एक बहुत खूबसूरत लैंड बना देती है, ठीक है। एंड द लिटिल मोमेंट्स हम्बल थो दे बी मेक द माइथी एजेस ऑफ इटर्निटी। उसके बाद जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, जो हमें खुशी देते हैं, जिसे हमें बहुत मतलब कह सकते हैं कि जिस छोटे छोटे मोमेंट जिनसे हमें खुशी मिलती है, मेक द माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब यहाँ कि वो समय जो कभी ख़त्म ना हो, जो हमें इतनी खुशी देती है, हम सोचते काश ये समय ऐसे ही चलता रहे, ठीक है। इस तरह से पोएट ने हमें बताया है। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, थोड़े से अच्छे काम काइंडनेस के। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, थोड़े से प्यार के शब्द, मेक आर अर्थ एंड ईडन, वो क्या बना देती है हमारी अर्थ को, हमारी पृथ्वी को, ईडन। ईडन यहाँ पर कहा गया है ऐसी प्लेस जहाँ पर खुशहाली रहती है और इनोसेंस रहती है लोगों में। वो बताया है कि अगर हम थोड़ी थोड़ी काइंडनेस दिखाएं, अच्छे काम करें और कुछ प्यार के शब्द बोले, तो वो हमारी अर्थ को एक बहुत हैप्पी हैप्पी वाली जगह बना देती है, जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है। लाइक द हेवन, हेवन अबव, ऐसा लगे जैसे कि कोई हेवन स्वर्ग में हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें कर करके, छोटी छोटी चीज़ें कर करके हमारी अर्थ ऐसे बन जाए जो जहाँ पर प्यार ही प्यार हो, काइंडनेस हो, और ऐसा लगे कि जैसे हम स्वर्ग में रह रहे हों, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया हो, और जो मैं आपको वर्क देती हूँ उसे प्लीज़ कॉपी में कर लीजिए, कर लेना, और जो भी आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे।